Shiva.

जहाँ तक मेरे को पता है तीन हज़ार साल से भी पुराना है क्यों क्योंकि इस गांव के अंदर जो महाभारत के जो कुछ पात्र थे जो लोग थे वो यहाँ पर आए थे कुछ कहा जाता है वहीं आप यदि एच की तैयारी करते हैं हरियाणा के अंदर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो शीशवाल सभ्यता के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा आज हम इस गांव के अंदर है इस गांव के अंदर आने का एक बहुत बहुत एक बड़ा रीज़न है कि इस गांव के अंदर एक ऐसा शिवलिंग है जो पूरे हरियाणा के अंदर पूरे भारत के अंदर कहीं मौजूद नहीं है उसके बारे में यहां पर कुछ विशेष मेहमान हैं आज हमारे साथ उनसे बातचीत करेंगे यहां पर है हमारे शास्त्री जी है तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जय शंकर जी आप लोगों का भी स्वागत है इस धाम में हाँ जी हाँ जी अपना नाम क्या है सर पंडित खजान शर्मा हाँ जी कितने टाइम से इस मंदिर के साथ जुड़े हुए सर मैं उन्नीस साल से जुड़ा हुआ हूँ इस मंदिर से यहाँ डेली आता हूँ तो भगवान शिव की बेहद कृपा है यहाँ बेहद आप भी अगर वहाँ जल चढ़ाएंगे तो एक फ़ील करेंगे उस एनर्जी को क्या बात है क्या बात है जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने हमें एक बिल्कुल बारीक बहुत ही छोटी सी जानकारी हमें मुहैया कराई कि यदि आप भी यहाँ पर जल चढ़ाते हो तो एक अलग ही एनर्जी मिलती है वहीं हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान है उनसे भी हम बातचीत करते हैं सर नमस्कार सर दरअसल में ये पूरा बाइब्रेट है क्योंकि अगर इस भूमि में वाइब्रेशन न होता तो प्राचीन समय में ये बिल्कुल खंडर हो चुका था वो तो कुछ प्रकृति का ऐसा रहस्य है कि समय के बाद फिर वो उसका उस जगह का उत्थान होता है इसलिए समय आने पर यहाँ पर जो पुराने भिक्षु सन्यासी आकर के भिक्षा मांगते थे और यहाँ पर रहने लगे रहते रहते ये जो शिवलिंग है वो जमीन के अंदर था उसके बाद उन्होंने कोशिश करके तीन गांव के लोगों ने इसको निकाला और एक छोटे से मंदिर का निर्माण किया आज ये पोजीशन है वो मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार चल रहा है जो चार वर्ष से निरंतर पत्थर पर खुदाई चल रही है और इसमें लोहे का बिल्कुल प्रयोग नहीं हुआ है क्या? और यहाँ के स्थानीय लोगों के डोनेशन से कोई विशेष एक व्यक्ति का नहीं है मैन बिंदु यहाँ का या जाति पात भेदभाव से दूर अटकर किस कोई भी व्यक्ति कभी भी आता है तो जल या लोटे काफ़ी मात्रा में हैं इन लोटों से वहाँ जल तथा ये बेलपत्र और पुष्पों से उनको वो और लोगों की विभिन्न प्रकार की मान्यताएं है। ऐसी हैं कि यहाँ पर वो सब सिद्ध उनका हो जाता है Uh, सर हमारे साथ ही उन्होंने कुछ जल्दी जल्दबाजी के अंदर यहाँ की सब सारी विशेषताएं बताने की कोशिश की पर यहीं से हमारे साथ गांव के बड़े बुजुर्ग मौजूद है सर अपना क्या नाम है सर मेरा नाम राम कुमार है जी गांव से ही हो हाँ जी सर आज गांव के लोग मौजूद है प्रोफेसर साहब हमारे साथ है वहीं हम शास्त्री जी साथ हमारे तो भाई साहब कहा जाता है कि इस गांव का जो ये शिवलिंग है इसको बनाया नहीं गया ये इसको निकाला गया है इसको जो कहते हैं कि ज़मीन ने जन्म दिया है तो इसके बारे में आपका क्या कहना है देखिए ये स्वयंभू है स्वयंभू अर्थात किसी के द्वारा बनाया गया नहीं जब यहाँ जो आप उस तरफ देखेंगे तो बाबा मोजगिरी की समाधि है जो कि यहाँ तपस्या करते थे तो उनको दृष्टांत हुआ जो हमने सुना है वो बता रहा हूँ मैं आपको बिल्कुल, बिल्कुल कि उनको दृष्टांत हुआ कि यहाँ एक शिवलिंग है जी। थोड़ी दूर चलेंगे तो फ्रांस का पेड़ है जी। आप जरूर देख के आए यहाँ जमीन के अंदर खुदाई के दौरान ये निकला था हाँ निकलने के बाद उन्होंने ये तीन गाँव की जो सरहद बोल देते हैं कांकड़ बोल कांकर देते, देते हैं तीन, हाँ तीन गाँव कौन कौन से मोहब्बतपुर बगला और सीसवाल हाँ जी इन पे ये मतलब जो बीच का बिंदु है वहां इसे रखा गया है रखा ऐसी मान्यता है ऐसा हमने सुना है सुना है सर और बिल्कुल सुना होता है वो वो भी सच्चाई होती है और अच्छा शास्त्री जी एक बात और कहते हैं कि लगातार जमीन से बाहर निकल रहा है इसके बारे में आपका क्या कहना है यह शिवलिंग लगातार जमीन से बाहर निकल रहा है देखिए इस बारे में ऐसा नहीं कह सकता मैं कि मैंने कुछ मापा हो इसको लेकिन लोगों की ये मानता है मुझे 19 साल हो गए देखते हुए जहाँ तक मुझे लग रहा है कोई इंच भर सूत भर अगर कोई फ़र्क आया हो तो अलग बात है वरना इस चीज़ की पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं कर पाऊंगा मैं पुष्टि नहीं कर पाएंगे और सर अभी मैंने सिसवाल गाँव के अंदर अभी मैं मौजूद था पिछले काफ़ी घंटों से तो वहाँ पता किया तो बड़े बुज़ुर्ग बता रहे थे कि पहले उन्होंने खुद ने इसकी जो हाइट थी वो कम देखी है और आज ये काफ़ी हाइट ज़्यादा हो चुकी है शिवलिंग की पर हमें इतनी पावर ही नहीं है शास्त्री जी कि हम इसको शिवलिंग को माप पाए हम में इतनी जो जिन्होंने हमने खुद को हमको जिसने बनाया हम उसको क्या ना मापेंगे अच्छा शास्त्री जी एक बात और कही जाती है कि इस शिवलिंग को हिलाने की कोशिश की गई थी दूसरे जगह स्थापित करने की कोशिश की थी तो यहाँ पर इसको हिला भी नहीं पाए ऐसा कुछ है ऐसा शिवलिंग के बारे में तो मैंने नहीं सुना लेकिन जो तीन मंदिर हैं हनुमान जी का भगवान माँ भगवती का और राधा कृष्ण का। उसके उधर बाबा भोलागिरी महाराज की समाधि है हैं जी, हैं जी। उसको बताते हैं कि मतलब यहां हिलाने का प्रयास किया कि चलो यहां अलग कर देते हैं, हैं, हैं तो हैं। कोई समर्थ है नहीं हुआ मतलब कोई व्यक्ति उसको हिला नहीं पाया था हाँ जी।, 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 जी अच्छा आ, सर कहने का मतलब इसके अलावा भी आपने कभी भी या फिर किसी से सुना हो कि ऐसा और भी शिवलिंग है हरियाणा के अंदर या फिर और कहीं पर देखिए मैंने बहुत सी जगह भगवान शंकर के मंदिरों में गया हूँ मैं जहाँ एक मटोर गांव है जो कि कलायत में है वहाँ आप जाओगे भगवान शिव को आप आलिंगन कीजिए आपके हाथ मिल जाएंगे लेकिन दोबारा कोशिश करोगे तो वो आपके पकड़ में नहीं आएंगे अलग अलग वो आप वाली बात है कि ये इतनी बड़ी शक्ति है इसको हम नहीं माप सकते लेकिन इतना बड़ा शिवलिंग मैंने अभी तक नहीं देखा किरमारा धाम में है वहाँ पर भी मैं गया हूँ और बहुत से धामों में गया हूँ यहाँ तक कि मैंने कुछ ज्योतिर्लिंग के विदर्शन किए हैं, लेकिन इतना बड़ा शिवलिंग जो कि स्वयं नहीं देखा अच्छा शास्त्री जी एक बात और कहा अच्छा, तो रोड रोड जाता है इसकी कुछ विशेष शक्तियों की बात करते हैं तो कहा जाता है एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ इसके बारे में क्या नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं ये तो मतलब प्रमाणित है दूर में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ अगर हुआ है ना नुकसान नहीं हुआ क्या बात है दोस्तों ये गांव सीसवार से ही है हमारे श्रीमान इन्होंने बताया कि एक्सीडेंट हुआ ही नहीं हुआ है तो उसको कुछ भी नहीं हुआ तो हो सकता है कि जैसे कि हमारे सर ने बताया कि ऐसी वाइब्रेशन है यहाँ की इस धरती पर यहाँ के इस शिवलिंग के चारों तरफ ऐसी वाइब्रेशन ऐसी पावर है कि जो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होने दे रही अच्छा सर कहने का मतलब लगातार लोग इसके बारे में जान रहे हैं इस तरफ आ रहे हैं है और एक और है इस गांव के नाम के बारे में भी, भी मैंने सुना है कि वो क्या इस गांव इस शिवलिंग के नाम पर ही इस गांव का नाम है? ये बात तो हम नहीं बता पाएंगे आपको क्योंकि मेरे ये चीज सुनने में नहीं आई है है लेकिन कहीं ना कहीं जरूर मान्यता होगी ऐसी अच्छा कहा जाता है कि शीसवाल को शिवलिंग के लिए जाना जाता है फिलहाल जो समय है वो यही है कि शिवालय धाम शीसवाल फिलहाल सही बात से आ, हमारे हम इशार फतेहबाद सिरसा यहाँ कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बहुत पावरफुल है यह शिवलिंग और एक अलग ही इस गांव को दर्जा मिला हुआ है इस शिवलिंग की शिवलिंग के साथ नाम जोड़ा जाता है तो और भी कुछ ऐसी बातें शास्त्री जी जो कि गांव में घटित हुई हो और शिवलिंग के कारण या उसकी वाइब्रेशन के कारण उसकी पॉजिटिविटी उसके या फिर कुछ भी कहने का मतलब कई बार जो गुस्सा भी कहा जाता है तो ऐसी कोई घटना कहीं ध्यान देखिए अगर मैं आपको यहाँ के चमत्कार गिनाने ना तो एक महीना भी अगर मैं और बोलूंगा तो वो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत से ऐसे चमत्कार मैंने खुद देखे हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों से आप सुनेंगे तो उस बात का कहना ही क्या और जो ओरा मशीन होती है यहाँ अगर आप पहले आप अपना ओरा चेक कीजिए दस मिनट यहाँ भगवान का ध्यान कीजिए उसके बाद आप ओरा चेक कीजिए आपको खुद पता लग जाएगा प्रत्यक्ष को प्रमाण बनने की आवश्यकता नहीं है नहीं होती क्या बात है सर अच्छा इसके अलावा फिर भी हम कुछ बात करें तो एक दो तो हो ही जाए भाई साहब कुछ जैसे कि आपने ये ओरा वाला बता दिया उसके अलावा एक मैंने और सुना है कि बता रहे थे कि यह ढलान की तरफ है ये जो सिवलिंग है ये ढलान की तरफ इसके बारे में आपको कुछ पता है कि सारा सीसवाल का गांव का पानी इस सिवलिंग से होके गुजरता तो था हां जी हां जी सर पानी इधर ही आता था ये दाख खोद तक का पानी इधर निकल आता था, था।, था। इस को क्रॉस करके जाता था ये नदी थी या नदी की तो हाँ जी हाँ जी यहाँ पहले नदी थी एक हाँ जी हाँ जी और जो दड़वा जाती है यहाँ से ये नहरी इधर जाती थी अच्छा, ये हाँ ये किनारे ही था अभी तो ये लेवल हो गई पता है यहाँ से कम कम है तो पचास साल पहले तो मैंने सेन्तल की इसको इन, इन, आपने देखा है इस चीज़ बिल्कुल देखी मैंने नहर को, तो तो इस, को तोड़ाई पड़ी थी ना हांजी, हांजी। इस पर श्रीमान ने खुद ने एक चीज ऑब्जर्व की है इन्होंने बताया कि मैंने खुद ने यह नहर इस शिवलिंग से होते हुए जाते देखी है और उसके बाद में जैसे सरकारें चेंज होती है इसका थोड़ा सा जो रूट है डाइवर्ट कर दिया गया कहा जाता है कि पहले ये जो रहे शिवलिंग में खुद ब खुद है। जो जल विसर्जित कर करते हुए जाती थी और पूरे जो बारिश का पानी था वो भी जल विसर्जित करते हुए जाता था तो शास्त्री जी और क्या कहना चाहते हैं जल की अगर बात मैं कहूँ तो जो वर्षा का टाइम होता है ना हो सकता है आदमपुर या इधर जो आसपास के इलाके हो वहाँ कम बारिश हो लेकिन यहाँ कुछ सालों से मैं महसूस कर रहा हूँ कि अच्छी बारिश होती है बारिश के टाइम जब सावन में लोग कावड़ लेके आते हैं तो भगवान खुद पहले उनका अभिषेक करते हैं हाँ जी क्या बात है क्या बात अच्छा उनने लोगों के लिए कुछ कुछ विशेष वैसे तो भगवान शिव है शंकर है ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उनसे दिल से मांगी जाए और वो पूरी ना हो पर फिर भी आप कुछ विशेष बातें कहेंगे कि यदि किसी को इन तरह की प्रॉब्लम हो तो वो जरूर इसे शिवलिंग से मान्यता आए यहाँ पर अपना माथा टेकें कुछ विशेष देखिए ऐसा है कि हम जैसे यहाँ पूजा करवाते हैं तो जब लोगों के अनुभव सुनते हैं ना खुद कम से कम पचास लोगों के अनुभव मैं बता सकता हूँ हमें भी यकीन नहीं होता कि ये हमारा मन रखने के लिए कह रहे हैं या वास्तव में इनके साथ घटित हुआ है क्या बात? कई तो ऐसे हैं जिन्होंने डॉक्टरों ने और कुंडली देख करके जवाब दे दिया गया था कि आपके बच्चे नहीं हो पाएंगे लेकिन उन्होंने यहाँ के भगवान शंकर का जलाभिषेक करवाया और आज प्रत्यक्ष है कि उनको एक नहीं दो दो संतान हैं हाँ जी और भी बहुत से ऐसे हैं खुद मैं अगर अपने लिए कहूँ तो मेरे भी कुछ शारीरिक प्रॉब्लम होगी थी तो मैं मेरे बाल चले गए थे हाँ मैंने भगवान शंकर का बड़ी श्रद्धा विश्वास से जल लगाया और अब आपके सामने है बिल्कुल और कुछ ऐसे और भी बहुत सी बातें हैं हाँ जिनको मतलब मैं आपको हाँ जी जी, बिल्कुल अच्छा शास्त्री जी जो भी यहाँ पर विशेष लोग आते हैं या फिर आना चाहते हैं उनके लिए कुछ खुद ख़ास खा, हिदायतें कि उन्हें किस तरह से यहाँ पर आना चाहिए या फिर किस वार को जो कहते हैं अभी एक विशेष वार होता है हर एक भगवान के लिए तो उसके लिए कुछ कहना चाहिए देखिए भगवान शंकर का सोमवार और सावन का महीना विशेष मानते हैं यहाँ सोमवार और सावन के महीने में एक अच्छी चहल पहल रहती है बाकी श्रद्धा और विश्वास लेके आप जब मर्जी आए महादेव आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे बिल्कुल ये तो होता ही है शास्त्री जी कभी भी आए कोई विशेष दिन नहीं होता इनका नहीं। अच्छा एक पांडुओं से रिल, ए, रिलेशन जोड़ा जाता है इस शिवलिंग का तो उसके बारे में क्या कुछ आपको पता है देखिए इस चीज का कोई लिखित प्रमाण नहीं है हमारे पास और अगर किसी के पास हो तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि वो हमें जरूर बताएं जरूर बताएं लेकिन अब कुरुक्षेत्र हमसे दूर नहीं है नहीं। और भीड़ बबरान दूर नहीं है नहीं। और ये जो जहाँ सरवण तीर्थ अड़सठवा तीर्थ बोलते हैं ये दूर नहीं है हाँ। वहां तक अगर उनका संबंध रहा है तो यहाँ भी कोई बड़ी बात नहीं जरूर रहा होगा सही बात जरूर रहा होगा शास्त्री जी यहाँ पर एक दो बातें और सुनिए जैसे कि कहते हैं कि लगातार खुदाई के दौरान जमीनों से इंटे वगैरह निकल रही थी उसके बारे में आपका क्या, क्या है देखिए आज तो बहुत से दानी सजन सज्जन हैं अगर आप किसे भी कहेंगे तो वो मंदिर के लिए आपको कोई मना नहीं करेंगे लेकिन उस समय बताते हैं कि बड़ा अभाव होता था, था पैसे का तो जैसे ही मौजगिरी बाबा को ये दृष्टांत हुआ कि यहाँ शिवलिंग है तो उन्होंने शंका जाहिर की कि हम कैसे मंदिर बनाएंगे यहाँ इतना पैसा कहाँ से आएगा उनको फिर दोबारा दृष्टांत हुआ कोई आकाशवाणी हुई या स्वपन में हुआ या जैसे भी कि आप मन इस तरफ पीछे से खुदाई शुरू कीजिए तो उन्होंने जब खुदाई शुरू की तो चूना पत्थर ईंटें मैं आपको वो ईंट दिखाऊंगा जो मतलब इस मंदिर में पहले लगी हुई थी तो वो निकलती रही जैसे ही मंदिर पूर्ण हुआ तो वो बंद हो गई जब इस मंदिर का पूर्ण चार साल से निर्माण कर रहे हैं उससे पहले जब उस मंदिर को हटाया गया तो वो इंटें आज भी हमारे सामने हैं ऐसी इंटें हमने नहीं देखी कि इतनी बड़ी ईंटें हो गई हाँ जी हाँ जी अच्छा शास्त्री जी एक बात और अभी जो तो मंदिर का निर्माण चल रहा है एक बहुत ही भव्य मंदिर है हमारे आस पास शायद ही ऐसा कोई मंदिर हो इसके बारे में आपका क्या कहना है अभी किस तरह का पत्थर किस तरह की ईंटें किस तरह का चुना यूज़ ये लोग बता रहे हैं कि जो राम मंदिर में हां जी, हां जी। जो चल रहा है जी। पत्थर आ रहा है वही यहाँ यूज हो रहा है और वही कारीगर हैं और मैंने ऐसी सोमनाथ में जो भगवान शंकर का सोमनाथ धाम है वहाँ ये डिजाइन देखा है दुधेश्वर महादेव जहाँ रावण के पिता ने तपस्या की थी उसी बार? मंदिर का भी यही डिजाइन है और अब ये साक्षात आपके सामने है मेरे महादेव बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों आज हमारे साथ बड़े बुज़ुर्ग थे कुछ विशेष लोग थे आज हमारे साथ इन्होंने इस शिवलिंग के बारे में इस गांव के बारे में हमें कुछ विशेष बातें बताने की कोशिश की जैसे कि सर ने बताया कि इतना बहुत ज़्यादा प्राचीन है हज़ारों साल पुराना हज़ार दो हज़ार पाँच हज़ार साल तक भी पुराना है तो सारी बातें हम इस वीडियो में नहीं बता सकते क्यों क्योंकि यदि हम कड़ी वाइज एक, एक एक बात हम बताने लगे तो ये वीडियो नहीं है फ़िल्म तक बनने के है जो कि काफ़ी दिनों तक चलेगी तो विशेष जो बातें हमने बताने की कोशिश की है जो बहुत बड़ी बातें थी जो लगातार यहाँ के आसपास के जो लोग बताते हैं इस गाँव के लोग बताते हैं वो हमने आपको बताने की कोशिश की सभी हमारे साथ श्रीमान थे बड़े बुज़ुर्ग थे जो विख्यात थे अपनी अपनी फील्ड के उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने आज हमारा हमें अपना कीमती निकाला और दोस्तों इसी कड़ी में हमारी आज एक और वीडियो आपके सामने है और लगातार हम ऐसी वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे सभी का तहे दिल से शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय शंकर